चरण में चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट से कई लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसी बीच सोहना के बैरमपुर में गुर्जर समाज की ओर से एक महापंचायत बुलाई गई। पंचायत में राष्ट्रीय पार्टी की ओर से गुर्जर समाज को टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस का उन्होंने बहिष्कार करने का ऐलान किया और अपने उम्मीदवार को जीत हासिल। उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे गुर्जर समाज की इस महापंचायत में। उन्होंने रोहताश खटारा को अपना उम्मीदवार घोषित किया और राष्ट्रीय पार्टियों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। जितने भी 36 बिरादरी के गांव थे, शहरों को छोड़ करके टोटल हाजिर थे। उसमें फैसला हुआ है कि जो हमारे सीटिंग एमएलए का टिकट कटा, जिसने लोकप्रियता दिखाई, क्षेत्र के अंदर विकास कार्य कराए, किस कारण से टिकट काटा और उनको अंदर को दोष था, तो हमारे क्षेत्र में हमारे सोना हल्का के 36 बिरादरी के बहुत नेता थे जो राजनीति से काफी पीछे समय जुड़े हुए थे, उनको टिकट दिया जाता तो इलाके का मान सम्मान होता। पहले तो बहुत दुख था जो हमारे साथ हुआ और हमारे समाज के साथ, जो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी ने अनदेखी की, इसका बहुत ज़्यादा दुख था। लेकिन आज हमारी 36 बिरादरी ने ये बात समझी कि हमारे क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है हमेशा से, और आज इनमें जोश और जुनून जो आया, आज इनके जोश को देखते हुए मुझे भी खुशी हुई और मैंने इनकी बात स्वीकार कर ली समाज की, कि चाहे ये जो भी ड्यूटी लगाएंगे मैं इनसे हटके नहीं जाऊंगा। एक अच्छी पहल यहाँ पर हुई है समाज के लिए, उसके ऊपर क्या करें? और हर हाल में हम चुनाव जीत के आएंगे, मुझे भरोसा ये जनता मुझे चुनाव जिता के लाएगी। इग्नोर कर दिया नेशनल पार्टी ने, हमें इग्नोर कर दिया तो हमने भी पार्टियों को इग्नोर कर दिया। और हमारा समाज, हमारी 36 बिरादरी रोहतास खटाना को चुनाव जिता के लाएगी और उन पार्टी को ये दिखाएगी चुनाव कैसे जीता जाता है। सोना की बात करें तो अब तक सोना का कोई मौजूदा विधायक नहीं बना इस एरिया का, इस बार उम्मीद है जनता को? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद के साथ जनता ने फैसला।